Welcome to the biggest township project, DZT. Corporate and commercial spaces available at DZ City that sits right in the heart of Pune. With connectivity from every corner, DZ City is under construction with tremendous speed. You get luxurious amenities like swimming pool, gym, clubhouse, jogging track, banquet hall, kids play area and all that with fresh air environment. 24-hour security system with power backup generator for every time. From stadiums to hospitals, schools and market within few minutes of distance. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, काम रुका नहीं है ना ही रुकेगा। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर डीजेड सिटी में। कॉल नाउ। मुरादाबाद में अवैध शराब के धंधे पर छापा मारने गई पुलिस टीम को बंधक बनाकर की गई मारपीट, वीडियो बनाकर किया गया वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी फजीहत करने वाला एक मामला मुरादाबाद से सामने आया है। मुरादाबाद में पागबड़ा थाना क्षेत्र, पागबड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नगला बनवीर गांव है। यहां पर एक बाबू सिंह रहता है और बाबू सिंह अवैध शराब का धंधा करता है, ऐसी सूचना पुलिस को मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम दबिश देने पहुंची। चार वर्दीधारी पुलिसकर्मी थे, तीन सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे, मगर इन सभी पर बाबू सिंह और उसके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस में से सादा वर्दी जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बंधक बना लिया गया, मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनका बंधक बनाने का और मारपीट करने का वीडियो भी बनाया गया। उन पर घर से 10 लाख के जेवर चुराने का आरोप भी लगाया गया। वहीं वर्दीधारी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भाग निकले। उन्होंने पुलिस की और मदद मांगी तो रोमियो, एंटी रोमियो स्क्वाड यहां पहुंचा। महिला पुलिसकर्मी इसमें शामिल थी तो उन पर पथराव किया गया। फिर थाना इंचार्ज सत्येंद्र सिंह यहां पहुंचे अपने पूरे दल बल के साथ, तब जाकर के मामला काबू में आया। फिलहाल बाबू सिंह और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने क्या जानकारी दी है सुनिए। तुमने हमारे बाप को मारा, तुमने हमारी माँ को मारा, ये जो 10 लाख रुपए के जेवर, जो 10 लाख के जेवर चुराए हैं, वो जेवर कहाँ रखे? अभी हमारे घर में शादी हुई है, मैंने लड़की के लिए बनाया, अपने बेटे की भाई की शादी के लिए जेवर बनाया, सब जेवर कहाँ है? ये बताओ, तुम डॉन ड्यूटी नहीं हो, तुम घर में कैसे घुसे? तुम घर में कैसे घुसे? किसने बुलाया? अरे फूट जान दो, फूट गया दो, हमारा जेवर गायब कर दिया। ये बताओ जेवर कहाँ रखा हुआ? मारो, मारो साले को, मारो इन्हें। कौन लाया बुला के? कहाँ से आई? किसने ऑर्डर दिए तुम्हें? किसने ऑर्डर दिए? कौन हो तुम? हम जानते तुम नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं, जूते तुम्हारे पास। आई कार्ड दिखाओ अपना, आई कार्ड दिखाओ अपना अभी। अरे आई कार्ड जेब में होना चाहिए, मोबाइल में होना चाहिए, ड्यूटी कर रहे हो तुम। पहले ये बताओ जेबर का रखा जो चुराया अभी? मेरे बाप को मार रहे हो तुम, मेरी माँ को मार रहे हो तुम, तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इज्जत, हमारी माँ पे हाथ उड़ाया, हमारे बाप की सब कमीज फाड़ दी, हमारे बाप की कमीज फाड़ दी, सब बाप की कमीज फाड़ दी और सब जेवर चुरा लिया। दरोगा जी बिना मानी घोषित सब सब बक्सा बक्सा चोरी कर लिया है, सब फैला पड़ा है, ये बक्सा बक्सा मैंने चोरी कर लिया आगे तुम एरिया में, हमें पता नहीं था ये पैसे रख के हैं, सब कुछ गायब कर दिया। मेरी माँ पे हाथ में, मेरे बाप खून में चले पड़े हैं और इन्होंने आके बदतमीजी करी है। नहीं ये ड्यूटी मैन, नहीं इन्फॉर्म पे रखिए। कौन है तुम? कौन हो तुम? घर में क्यों घुसे? दरोगा को तुम्हें दिया था घर में, तुम क्यों घुसे घर में? कितने कहा तुमसे? तुम्हारी गाल फटेगी अभी, IPS से एक बार जांच बैठाई जाएगी पूरे थाने में। कौन था तुम्हारे साथ? थाना पागबड़ा पर कल एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये कल का एक प्रकरण है थाना पागबाड़ से संबंधित। नगला बनवीर में कल एक पुलिस की टीम दबिश के लिए गई थी। एक बाबू नाम का व्यक्ति जो पूर्व से अवैध शराब का कारोबार करता है, पूर्व में भी जिस पर कई मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत हैं, और इसके अतिरिक्त उसका एक लड़का जिसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसमें तमंचे के साथ उसने फ़ोटो खिंचाया था। इसी सूचना पर पुलिस की टीम गई थी, जिसमें चार पुलिसकर्मी वर्दी में और दो सादे में पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी। तब इसके दौरान जो बाबू का लड़का है उसने पुलिस के टीम के साथ अभद्रता की थी और बंधक बनाने का प्रयास किया था। तत्काल पुलिस की थाने की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने
वहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक गंभीर धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। जल्दी ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।